दिमाग के ऊपर रोज हजारों वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं और रोज नई नई बातें सामने आती है, पर आज आप सबसे चौंका देने वाली बात को जानोगे। इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना, क्योंकि ये आपके दिमाग से जुड़ी हुई है और इसके बारे में नई बातों को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। हमेशा की तरह प्रूफ यानी सबूत के लिए रिसर्च का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ये रिसर्च ये कहता है, पानी की कमी के चलते आपके दिमाग की ताकत बहुत हद तक कम हो सकती है। हाँ, मुझे पता है आपको ये बात सामान्य लग रही होगी। जी हाँ, ये लाइन तो सिंपल है, पर ये आपसे बहुत डीप लेवल पर जुड़ी हुई है। क्या आपको ये पता है कि आपका दिमाग 80% पानी है? ये कोई नई बात नहीं है कि पानी आपके दिमाग के लिए जरूरी है, पर नई बात जो पता चली है वो ये है कि थोड़ी सी भी पानी की कमी आपके दिमाग के ताकत को बहुत हद तक कम कर सकता है। थोड़ी सी भी लाइन पर ध्यान देना, यानी हल्का सा भी अंतर दिमाग की शक्ति को बहुत कम कर सकता है। कम पानी पीना आपके फोकस पावर यानी एकाग्रता शक्ति को कम करता है और ये आपके स्मरण शक्ति को भी कम कर देता है, और पानी की कमी के चलते आपके दिमाग में ब्रेन फॉग बढ़ जाता है। आपने ब्रेन फॉग को तो जरूर अनुभव किया होगा। दिमाग में वो लगता है ना जैसे अंदर कुछ जाम हो रखा है, उसे ही ब्रेन फॉग कहते हैं, और आपको पता भी नहीं कि ये कोई और वजह से नहीं, आपके पानी की मात्रा पर ध्यान न देने से होता है। ये पाया गया है कि ब्रेन फॉग ज्यादातर पानी की कमी के चलते ही होता है। पानी आपके हार्मोन्स को भी इफेक्ट करता है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सब क्या है? ये सब हार्मोनल डिसबैलेंस है। आपके हार्मोन सही होंगे तभी आप हर काम को अच्छे से कर पाओगे। ज्यादातर लोग तो इस फैक्ट के बारे में जानते ही नहीं, बट कम से कम आप ऐसा मत बनो। आपको मैं हेल्दी देखना चाहता हूँ। रिसर्च ने ये प्रूफ किया है कि आपके शरीर के लगभग हर एक काम के लिए पानी का इस्तेमाल होता है। आप हर समय सांस लेते रहते हो, पानी की कंजम्पशन, आपको पसीना आता है, पानी का कंजम्पशन, आप कोई भी दिमागी काम करते हो, पानी का कंजम्पशन। इसलिए आपको रेगुलरली पानी पीते रहना चाहिए। जिस तरह गाड़ी में पेट्रोल होता है, उसी तरह से पानी आपके दिमाग का फ्यूल यानी ईंधन है। जब आपके दिमाग तक अच्छी खासी पानी पहुंचती है, तभी आपका दिमाग पूरे ताकत से काम करता है। बस एक ग्लास पानी यानी 250 ml पानी पीने से आपका दिमाग 14% तक फास्ट हो जाता है। आपके दिमाग को पानी की सही मात्रा चाहिए ही चाहिए अपनी फुल पोटेंशियल में काम करने के लिए। आप कितना भी मेडिटेशन कर लो, अगर इस छोटी सी पानी वाली बात पर आप ध्यान नहीं दोगे, तब आपका दिमाग फुल पावर से काम करेगा ही नहीं। दिमाग में जो न्यूरॉन्स होते हैं, उन्हें हाइड्रेशन की जरूरत है। इसलिए स्ट्रिक्टली आपको ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि आपका शरीर हमेशा हाइड्रेटेड हो। ये छोटी सी बात है, पर लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत फायदा पहुंचाएगी। जरूरी नहीं है कि जब आपका मुंह सूखा हो तभी आपके शरीर में पानी की कमी है, आपको पता भी न चले, और हो सकता है कि आपका शरीर डिहाइड्रेटेड हो यानी उसमें पानी की कमी हो। इसलिए आपको दिन भर रेगुलरली पानी पीते रहना चाहिए। इस आदत की पहली कदम ये होगी, सुबह उठ के पानी पीना। ये दुनिया की सबसे हेल्दीएस्ट हैबिट्स में से एक है। सुबह के समय ही वो टाइम होता है जब आपको सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। आपके घर में जो ग्लास है उसे उठाना और 3 ग्लास पानी पीना। ठीक उठने के बाद एक ग्लास लगभग 250 ml का होता है, तो 3 ग्लास करीब 750 ml होगा, जो कि परफेक्ट अमाउंट है। जब आप सोते हो तब आपकी बॉडी सारे टॉक्सिन्स यानी जहरीले पदार्थ को फिल्टर करता है, और वो खराब टॉक्सिन्स आपके शरीर से निकलती है आपके पानी पीने के बाद टॉयलेट के थ्रू। कम पानी के चलते जब वो नहीं निकलती है तभी शरीर में प्रॉब्लम्स आती है, यही कारण है आपके कम जोश का। पर अगर पानी पियोगे तो वो टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे और आप और फ्रेश महसूस करोगे। सुबह पानी नहीं पियोगे तो दिन भर यही कहते रहोगे कि यार एनर्जी ही नहीं लग रही है। पानी पीने से आपकी मेटाबॉलिज्म बढ़ती है और ये आपको और एक्टिव बनाती है, और इसके चलते आपकी ऊर्जा दिन भर बनी रहती है। पानी आपके इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत करती है। इम्यून सिस्टम उस प्रणाली को कहते हैं जो आपके शरीर में बीमारियों को रोकता है।
आपको उससे बचाता है। ये एक तरह से आपके शरीर के गार्ड्स होते हैं। तो ज्यादा मात्रा में पानी इन्हीं गार्ड्स को और भी मजबूत करने में मदद करता है। सबसे मेन बात मैंने जो कहा, सुबह उठने के ठीक बाद पानी पीना, मतलब ब्रश करने के बाद नहीं पर उसके पहले। ठीक बाद मतलब ठीक उठने के बाद। ये इसलिए क्योंकि सुबह सुबह आपके मुंह में सलाइवा की मात्रा ज्यादा होती है, जिसे हम लार कहते हैं। और सलाइवा के अंदर एंजाइम्स, एंटीबॉडीज और एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जैसे जरूरी एलिमेंट्स होते हैं। इसके अंदर बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, ये शायद आपको पता नहीं हो, पर इसी सलाइवा के चलते आपका स्किन ग्लो होने लगता है और पिंपल्स की प्रॉब्लम दूर होती है। कुछ दिनों तक आप रेगुलरली सुबह पानी पियोगे तो आप देखोगे कि आपका चेहरा कुछ ज्यादा ही ग्लो कर रहा है। इसलिए तो सुबह सुबह पानी पीना मस्ट है, और दिन भर में मल्टीपल टाइम्स बार बार आपको पानी का सेवन करते रहना चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट बात, केस 1, आपने सुबह उठकर बहुत पानी पिया, फिर 4 घंटे बाद फिर 2 बोतल घटक लिया, फिर 3 घंटे बाद आपने पूरा पेट भर के पानी पी लिया, और केस 2, आप हर घंटे थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पी रहे हो, तो दोनों केसेस में से क्या आप जानते हो कि कौन सा अच्छा है? हाँ, ऑफ कोर्स केस 2। एक बार बहुत पानी पीने से अच्छा आप थोड़ा थोड़ा करके दिन भर हाइड्रेटेड रहो। पता नहीं आपने लास्ट कब पानी पिया था, तो अभी जाके एक ग्लास पानी पीना मत भूलना। वैसे आप कितना पानी पीते हो और ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना। आपका कमेंट बहुत मोटिवेट करता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना।